परेड सेशन हो गया है, अब हम लोग जंगल में चलेंगे। सब बच्चे ध्यान रखिएगा, जंगल जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है, इसलिए आपको हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। खतरा कहीं से भी आ सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी, समझे? खतरा ऊपर से भी आ सकता है सर। ओके ओके ओके, ऊपर से भी खतरा आ सकता है। ओके, बी अलर्ट। अब आओ मेरे पीछे और देखो मैं कितना अलर्ट हो चुका हूँ। देखना। सर कुछ ज्यादा ही चौकन्ने नहीं है? याद रखना, जंगल में जानवरों का भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना। जब तक लड्डू सिंह आप सबके साथ है, कोई जंगली जानवर यहाँ आ नहीं सकता। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। सुनो, ध्यान से सुनो, जंगली जानवरों की आवाज ऐसी ही होती है। चलो पहचानो ये किस जानवर की आवाज है, शेर की, चीते की या भेड़िए की? गलत जवाब। ये आवाज कुछ पहचानी हुई सी है, पर किसकी है? कोई और गेस करो। चलो चलो चलो, भालू की है सर। अरे तुम लोगों को सिर्फ एक ही जानवर का नाम मालूम है क्या, जिसको देखो भालू की आवाज कह रहा है? सर ये भालू की आवाज है। क्या सबूत है बोलो शिवा, क्या सबूत है कि ये भालू की आवाज है? सबूत आपके पीछे खड़ा है सर। सबूत और मेरे पीछे कहाँ? शिवा, हेल्प! ये तो इधर ही आ रहा है।
स्टूडेंट्स, जल्दी सब लोग बस में चलो। सर, हम लोग शिवा को लेकर आएंगे, आप लोग जाइए, डोंट वरी, लड्डू सिंह जी हमारे साथ हैं। लड्डू सिंह जी, इन बच्चों की जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। डोंट वरी, आप बाकी बच्चों को लेकर वापस जाओ, हम शिवा के साथ आते हैं। शिवा, जल्दी वापस चलते हैं, बाकी सब टीचर के साथ निकल गए हैं। यू आर राइट रेवा, भालू अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो जल्दी पीछा नहीं छोड़ता, वो फिर आ सकता है। तुम लोग डरो मत, नो, वो अचानक पीछे से आ गया था, इसलिए मैं घबरा के ऊपर उड़ गया था, लेकिन अब लड्डू सिंह तैयार है। लड्डू सिंह तैयार हो जाइए, वो आ रहा है। अरे भालू को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाय, हाथ धो के हमारे पीछे ही पड़ गया है। आप तो कह रहे थे कि आप तैयार हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि मैं भागने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से बड़े पत्थर से रास्ता बंद कर दो। वरना भालू पत्थर हटा देगा। क्या करूं, क्या करूं? यस, अब जल्दी यहाँ से भागते हैं, कहीं दूसरे रास्ते से भालू आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रुको 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 रुको, एक बात समझ में नहीं आई, नॉर्मली तो ये जानवर अपने आप किसी पे हमला नहीं करते, ये तो खुद इंसान से दूर जंगल में छिपके रहते हैं, फिर बार बार अटैक क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हमसे किसी बात पे नाराज हो। लड्डू सिंह जी तैयार हो जाइए, वो आ रहा है। अरे इस भालू को कोई काम धंधा नहीं है क्या? आए, नहा धो के हमारे पीछे ही पड़ गया है। आ,
रेवा, तुम सबसे पहले जाओ, उधर जाकर हाथ पकड़ना। जाते हैं वो देखिए वो रहा पेड़। शिकारियों ने कुछ जानवर को पकड़ कर रखा है, उनमें से एक भालू का बच्चा भी है। हो सकता है वो भालू इसलिए इतनी नाराज है, वो सोचती है कि हमने उसके बच्चे को पकड़ लिया है। यू आर राइट, लड्डू सिंह जी को कहो मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। सूरमा बनारसी, तुम लोगों को अकल है कि नहीं, इतने छोटे से बच्चे को पकड़ लाए। सॉरी बेबी, सॉरी, मेरे आदमी बेअकल है, ये नहीं जानते कि मैं कितना इमोशनल इंसान हूँ। एक बच्चा बिना माँ बाप के कितना दुखी होता है ये मैं ही जानता हूँ। अरे हंटर सिंह जी माफ करिएगा, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतने इमोशनल हो। जाओ बच्चे जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ, जा। मैंने कहा उसे आजाद करने को, मैंने कहा क्या? मैं इमोशनल हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि अपना नुकसान कर दूँ। इस बच्चे को इसके माँ बाप से मिलाने का एक और तरीका है। जाओ इसके माँ बाप को भी पकड़ ले आओ, जब पूरी फैमिली को एक साथ बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। सॉरी बॉस सॉरी, लेकिन इसकी माँ बहुत चलाक है, वो हमारे किसी ट्रैप में फंसती नहीं है। अच्छा फिर तो हमें ही जाना होगा, हम भी तो देखें कि इसकी माँ कितनी चालाक है। इस भालू के बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दूँ तो वो खुश हो जाएगी। डर मत। हाँ
जा रहे हो? बाबा भालू से मुझे बचाओ। शिवा प्लीज हेल्प। शिवा ये किसको ले आए? अच्छा हुआ वो बेबी बेयर और उसकी मम्मी मिल गए। अब चलो हम लोग भी वापस चलते हैं। लड्डू सिंह जी, कुछ शिकारियों ने इस बेबी बेयर के साथ साथ और भी कई जानवरों को पकड़ के रखा है। एक मिनट, ये तो उसी भालू और उसके बच्चे की चिल्लाने की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। जल्दी चलो। सूरमा, तुमने तो उसे भगा दिया। मैंने फिर पकड़ लिया। मैंने उसे भगाया नहीं सर, एक बच्चा उसे लेकर भाग गया। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। इन दोनों को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। पकड़ो इसे। हंटर से पंगा। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई चोर चोरी करता है तो नहीं।
दोस्त, a friend in need is a friend indeed. अरे बस करो, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, देखो खुद को पिटते हुए नहीं देख सकता। अरे इंस्पेक्टर, क्या दूर से टुकुर टुकुर देख रहे हो? कम ऑन रेस्ट मी और इस बच्चे से दूर ले चलो। बच्चा नहीं कहना अंकल। यस सॉरी शिवा, सॉरी। आप सब लोग जेल चलो, वही शिकार करना, बहुत बड़ा जेल है। क्या जेल में शिकार करने को मिलेगा? कौन कौन से जानवर हैं वहाँ? वहाँ मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, कॉकरोचेस हैं, स्पाइडर हैं।